क्या देश का आम चुनाव 80-20 होने जा रहा है? क्या केंद्र की मोदी सरकार ने जानबूझकर चुनाव के पहले सीएए वाला दांव चला है? बीजेपी इसे मोदी की गारंटी कह रही है, तो विपक्ष इसे पोलराइजेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर प्रचारित कर रहा है। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बीजेपी के सियासी दांव और उसके गुणागणित और नफा नुकसान पर आज हमें शो में खास पड़ताल करने वाले हैं। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे OECD, NPR, NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई TV इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR, NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या। तो पहले CAB आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से NRC से उनको भय रखने की जरूरत। देश में CAA लागू होते ही ये दोनों आवाजें खूब सुनाई दे रही हैं। CAA के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी, ममता बैनर्जी और केरल के CM पिनराई विजयन समेत तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों से भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी ही आवाजें दिल्ली के शाहीन बाग में सुनी जा रही हैं, जहां 4 साल पहले CAA के खिलाफ लंबा आंदोलन हुआ था। सिर्फ एक एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा है और कुछ नहीं है। नागरिकता कानून पहले से भी है जी, सरकार इससे पहले कांग्रेस की थी, उन्होंने भी दिया था। NRC जो है वो मुसलमानों के लिए गलत है। हाँ, वो NRC में उसमें साफ साफ आप कोड देखो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुसलमान को यहाँ का वोटर ID नहीं मिलेगा या यहाँ का रेसिडेंस नहीं मिलेगा, उसे बाहर करके जो है डाल दिया जाएगा, चाहे वो डेस्टिनेशन कैंप हो गया चाहे जैसे भी, उनको लेने के लिए फिर वहाँ पे आपको परेशानी होगी। NRC जो है मुसलमानों के लिए खिलाफ है, CAA से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने बहुत बहुत तरह के धर्म है, सिर्फ एक मुस्लिम को छोड़ गया तो इसमें मुसलमान किसी को कुछ कह रहा है या और जो देश के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं? मुसलमान के लिए सारी परेशानी होती है और किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है, वो भी तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मरेगा और इसी मिट्टी में जाएगा, वो कहीं बाहर जाने का नहीं है। जो देश में पैदा हुआ देश में रहेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है कि अगर दूसरों को मिल रहा तो मुसलमान को क्यों नहीं मिल, सिर्फ इतनी सी बात है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन हकीकत अपनी जगह। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि CAA एक ऐसा कानून है जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। इस कानून में मुस्लिमों को अलग कर दिया गया है, हमें कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। अरे भाई, आप लोग मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन कौन से ऐसे मुस्लिम हैं जिनको CAA से नागरिकता नहीं मिल रही है, या कौन से मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी नागरिकता CAA से छिन रही है, ये आप लोग क्यों नहीं बताते हैं? CAA के तहत भारत के 3 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इनमें मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समेत अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें भारत के किसी मुस्लिम की नागरिकता से छेड़छाड़ का कोई प्रावधान नहीं है।
सभी को पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जा रही है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने तो इसका स्वागत किया है। बीजेपी इस कानून को पीएम मोदी की सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM, TMC और BSP समेत कई विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल CAA लागू किए जाने की टाइमिंग को लेकर है। केंद्र सरकार अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी की लहर है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी अपने साथ एक के बाद एक दूसरे पार्टी के दागी नेताओं को जोड़ रही है, जिस तरह अपने कमजोर नट बोल्ट दुरुस्त कर रही है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को अंदर खाने से कोई और खबर मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी ने अचानक अपना CM बदल दिया। संघ के करीबी और 10 साल से हरियाणा के CM की कुर्सी पर काबिज मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया। तो क्या इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 400 पार की हवा में बीजेपी को अंदर खाने से एंटी इनकम्बेंसी का भी डर सता रहा है, इसलिए वो अपनी पुरानी आजमाई हुई 80-20 वाली पिच को मजबूत करना चाह रही है। CAA लागू करने से बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच निश्चित तौर पर मजबूत हुई है। देश के बहुसंख्यकों को बीजेपी भरोसा दिला रही है कि उनके हित साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पुरानी सरकारों की तरह तुष्टिकरण के आरोपों की उसे चिंता नहीं। बीजेपी के कई नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग CAA को हिंदू तुष्टिकरण का फैसला मानते हैं, वो ऐसा मानने के लिए स्वतंत्र हैं। बीजेपी ने कभी मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह नहीं पकड़ी। CAA लागू होने के बाद कई राज्यों में हिंदुओं के ध्रुवीकरण की तस्वीर दिखाई देने लगी है। CAA लागू होने पर सबसे ज्यादा परेशान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। अगर बंगाल के हिंदू शरणार्थियों ने CAA लागू होने के बाद बीजेपी का साथ दिया तो बंगाल में बीजेपी का आंकड़ा 18 से बढ़ सकता है, और यही चिंता ममता बनर्जी को सता रही है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। ये आबादी बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर असर डालती है। अभी तक ये सभी TMC को वोट देते थे। CAA लागू होने पर ये बीजेपी का रुख कर सकते हैं। CAA लागू होने पर देश में कानून व्यवस्था के खतरे का डर बताया जा रहा है। दिल्ली, UP समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन आम जनता CAA के खिलाफ नए सिरे से आंदोलन करने वालों के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी चुनाव के पहले कोई भी सरकार कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सारे कैलकुलेशंस के बाद ही ये फैसला लिया है। विपक्ष को अब CAA का विरोध करने के बजाय महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि CAA का विरोध करने के नाम पर अब विपक्ष को कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सियासी बाजार में CAA क्या असर डालता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।